हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममाज एंड बेबीज। फ्रेंड्स, जब हमारे घर में एक नन्ना मेहमान आता है तो हमारे मन में उसको लेके बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसा कि हर बेबी का ग्रोथ, हर बेबी का डेवलपमेंट अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी जब हमारा बच्चा 1 महीने का हो जाता है या थोड़े से दिन गुजर जाते हैं तो हमारे मन में एक बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या हमारे बच्चे का ग्रोथ सही चल रहा है, क्या हमारे बच्चे का डेवलपमेंट सही चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ कि अगर आपका बच्चा 1 महीने का हो चुका है तो 1 महीने के बच्चे के विकास में कौन कौन सी चीजें हैं जो अब आप उसमें नोटिस कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सारी बेबी केयर टिप्स के लिए मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज, जब आपका बच्चा 1 महीने का हो जाता है तब वो क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपके 1 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो हम बात करें अगर वेट की, तो फ्रेंड्स 1 महीने का बच्चा जो होता है उसका जन्म से लेके 1 महीने तक एप्रोक्स यानी कि लगभग 900 ग्राम वेट बढ़ जाता है। यानी कि पहले महीने में बच्चे का वेट बहुत जल्दी से स्पीडली बढ़ता है और कम से कम एवरेज वेट 900 ग्राम बढ़ जाता है यानी कि 900 ग्राम। अब कुछ इसमें कम भी हो सकता है या फिर इससे थोड़ा बहुत किसी किसी का ज्यादा भी हो सकता है। इसके बाद मैं फ्रेंड्स बात करूं तो दूसरी चीज जो आप 1 महीने के बच्चे में नोटिस करोगे कि इस उम्र में बच्चे को भूख की समझ हो जाती है। यानी कि जैसे ही बेबी को भूख लगती है तो वो जोर जोर से रोने लगता है। तो आपका जब 1 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसको अगर बच्चा रो रहा है और आपको फीड कराए 1-2 घंटे हो गए हैं तो आप समझ जाइए कि आपको बच्चा इशारा कर रहा है कि उसे बहुत भूख लगी है। इसके बाद मैं बात करूँ फ्रेंड्स पहचानने को लेके, तो फ्रेंड्स जो 1 महीने का बच्चा होता है वो अपनी माँ को पहचानने लग जाता है या फिर उसके बहुत ही क्लोज यानी कि अगर उसकी दादी रह रही है तो वो उनके चेहरे को पहचानेगा या फिर उनके फादर यानी कि जो बच्चे के आसपास सबसे ज़्यादा रहेगा बच्चा 1 महीने का उसको पहचानने लग जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स जो 1 महीने का बच्चा होता है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है जन्म के बाद और उसकी जो अंगों की हरकत है वो भी थोड़ी सी तेज हो जाती है यानी कि वो अपने हाथ पैरों को पहले की बजाय थोड़ा तेजी से चलाने लगता है। इसके अलावा आप देखोगे कि जब आप बच्चे को टच करोगे 1 महीने के बच्चे को, 1 महीने से छोटा जो बिल्कुल न्यू बॉर्न होता है उसको टच करते हैं तो वो देखता नहीं है, लेकिन आपका बच्चा जब 1 महीने का हो जाता है तब हम उसको टच करते हैं तो वो अपनी गर्दन घुमा के देखने की कोशिश भी करने लग जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखेंगे कि बच्चा जो 1 महीने का हो जाता है तो वो सर को भी थोड़ा सा उठाने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गर्दन संभालने लग जाता है, लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो 1 महीने का बच्चा करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप उसकी मुट्ठी में अगर आपकी उंगली आ जाएगी तो वो उसको भी पकड़ लेता है। यानी कि 1 महीने का बच्चा अपनी मुट्ठी में अगर मान लो उसकी मदर उसकी फिंगर देती है तो बच्चा उसको भी पकड़ सकता है या फिर पकड़ने की कोशिश करने लगता है। और इस एज में बच्चा 16 से 18 घंटे सोता है। तो फ्रेंड्स आप ये सारी चीजें 1 महीने के बच्चे में नोटिस कर सकती हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।